वहीं रायसेन में पिछले एक माह से बंद पड़ी हलाली नलजल परियोजना एक बार फिर शुरू हो गई है। हलाली डैम में बारिश का पानी अधिक होने के बाद इंट कवेन डूब जाने के कारण बंद हो गई थी। वहीं हलाली नलजल परियोजना शहरवासी पानी की समस्या से जूझ रहे थे। आपको बता दें कि रायसेन शहर में एक बार फिर से हलाली नलजल परियोजना शुरू कर दी गई है। पिछले लगातार एक महीने से बंद पड़ी इस हलाली नलजल परियोजना के कारण रायसेन शहर में पीने के पानी के लिए त्राही त्राही मची थी। हम आपको ये भी बता दें कि अतिवर्षा के कारण हलाली डैम में पानी अधिक आ जाने के कारण इंटेक बैल डूब गया था। साथ ही मुख्यमंत्री हलाली नलजल परियोजना को बंद कर दिया गया था, लेकिन इस एक महीने में रायसेन में शहर में पानी की समस्या बरकरार बनी रही, तो नगर पालिका परिषद के कर्मचारियों ने ट्यूबवेल से टैंकरों के माध्यम से पानी एकत्र करके रायसेन शहर में पानी की समस्या को कुछ कम करने का प्रयास भी किया था, लेकिन अब एक बार फिर ये हलाली नलजल परियोजना शुरू कर दी गई है। हलाली पे इंटेक वेल डूबने के कारण सबसे ज्यादा हमारी समस्या थी उन मोटरों को वहां से निकालना, जो कि बिना बिजली के संभव नहीं था। तो वहां पे सप्लाई चालू करने के लिए हमें ट्रांसफार्मर के थ्रू उसको बाईपास करना पड़ा, जो हमारे लिए बड़ा टास्क था और बड़ी मुश्किल से उसको किया गया। उसके बाद हमारे द्वारा 2 टन की जो मोटर है उसको बाहर लाया गया और उसको सुधारने के लिए भेजा गया, जिसके थोड़ी सी कठिनाई का सामना करना पड़ा क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन था वो इजी नहीं था और लगातार बारिश गिर रही थी। देखिए, जब से बाढ़ आया था तब से हलाली डैम पे हमारा इंटेक वेल, मोटर, ट्रांसफार्मर सारे पानी में डूब गए थे और पानी का संकट उत्पन्न हो गया था। तो विगत जैसे ही पानी वहां से नीचे घटा, वैसे ही हम लोगों ने व्यवस्थाएं बनाई और मोटरों को सुधरवाया, ट्रांसफार्मर सुधरवाया। लेकिन इस बीच जो एक महीने हम लोगों ने रायसेन शहर में पानी की व्यवस्था की, वो एक कठिन और दुस्तर कार्य था।